हे फ्रेंड्स, होम मिनिस्टर में स्वागत है आपका। आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ मैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, ये स्वीट कॉर्न लिया है जिसे मैंने थोड़ी देर उबाल लिया था, चीज़ चाहिए हमें, पिज़्ज़ा मिक्स लिया है, ये चिली सॉस लिया है, आप रेड या ग्रीन कोई भी चिली सॉस ले सकते हैं, टोमेटो सॉस लिया है, एक चम्मच बटर लिया है, और ये मैंने मसाला तैयार किया है चाट मसाला और ओरिगानो को मिक्स करके, और चाहिए थोड़ा सा नमक। मैंने ये रेडीमेड पानी पूरी का पैकेट लिया है, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गैस चालू कर लेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें अब ये बटर डालेंगे और बटर में अब शिमला मिर्च ऐड करेंगे, कॉर्न को भी मिला लेंगे। सब्जियों को बटर में थोड़ी देर भूनना है हमें। इसमें अब थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। सब्जी लगभग तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा पिज्ज़ा मिक्स स्प्रिंकल करेंगे और इसे आधा से एक मिनट तक और भून लेंगे। अब सब्जियां हमारी रेडी हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। एक कांच के बर्तन में ही पूरी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसे माइक्रोवेव में रखने वाली हूँ। पूरी के बीचों बीच एक छेद कर लीजिए, देखिए कुछ इस प्रकार से, ताकि फिलिंग आसानी से भर जाए। इसमें अब हमें ये कॉर्न और शिमला मिर्च का मिक्स भरना है, तो एक चम्मच से हम सारी पूरियों में ये सब्जी भर लेंगे। सब्जी को अच्छे से स्टफ कर लीजिए। अब इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे, तो सारी पूरियों में ऊपर से टोमेटो सॉस डाल दीजिए, चिली सॉस भी डाल लेंगे, इस पर अब हमें चीज को ग्रेट करना है, तो एक ग्रेटर की सहायता से पूरी के ऊपर चीज डाल लीजिए, और ये जो हमने मसाला तैयार किया है इसे भी स्प्रिंकल कर लेंगे ऊपर से, और ये पूरियां बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर चीज़ को थोड़ा पिघला कर खा सकते हैं। मैं इसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा मेल्ट करने वाली हूँ। माइक्रोवेव में मैक्स टेम्परेचर में लगभग 20 से 30 सेकेंड के लिए गर्म कर रही हूँ। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना पूरी नरम हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये देखिए, हमारी चीज़ पानी पूरी बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।